आपने देखा रात को कि यार मैं जंगल की पार्किंग में आ गया था। आज ना बहुत हार्ड ड्राइव रहेगा, आज भागम भाग वाला काम रहेगा हमेशा ना भाई। ये रशियन यूक्रेनी ड्राइवर ही मिलते हैं जिससे मैंने ये ट्रेलर लिया था, जो जो उसने लिखा है वैसा वैसा मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में लिख लिया है। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा लेकिन आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी भाई। लेकिन आज मैं लपेटे में आ गया हूँ, जिस बात का डर था वही हो गया। मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। भाई सुबह के 7 बज गए हैं और अब मैं सो के उठ गया हूँ और बाहर देखिए अभी सनराइज हो रहा है और ये कुछ हाल है जी पार्किंग का। आपने देखा रात को कि यार मैं जंगल की पार्किंग में आ गया, तो है तो ये पेट्रोल पंप लेकिन यार यहाँ पर सब अंधेरा अंधेरा है भाई। यहाँ पर कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, तो ऐसे पेड़ों के नीचे अपनी गाड़ी लग गई थी। एंड आप सभी भाइयों के प्यार ब्लेसिंग से भाई नाइट अच्छी गुजरी अपने साथ, बहुत बढ़िया हो गया भाई कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मेरे मन में ऐसे डाउट था, रात को थोड़ा सा अवेयर होकर सो रहा था कि बार बार मैं भाई शीशे में देख के बाहर चेक कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। लेकिन चलो भाई बढ़िया हो गया, अपनी रात अच्छे से निकल गई है और अभी हो रहा है अपना ड्यूटी टाइम शुरू। तो भाई सबसे पहले सुबह के काम निपटा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से सफर शुरू करते हैं, जो है यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर का। फ्रांस के निमस के नियर बाय कहीं मेरा ट्रेलर चेंज होगा, उसकी लोकेशन आ गई है, तो यहाँ से निकलना है सीधा ट्रेलर चेंज करने के लिए। दोस्तों ये है अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, ब्रेड, केला और अपना भाई मिल्क शेक। तो इसे अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हेल्दी सा। फिर भाई आज ना बहुत हार्ड ड्राइव रहेगा, आज भागम भाग वाला काम रहेगा, बस अपने को 45 मिनट की एक ब्रेक के लिए बीच में रुकना है। दोस्तों सफर शुरू करने के लिए ऑल सेट, थोड़ी सी भाई क्लीनिंग चल रही है गाड़ी की। तो ब्रेकफास्ट हो गया, गाड़ी की क्लीनिंग हो गई और सारे काम सेट। अभी यहाँ से सफर शुरू करते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो जी पार्किंग से बाहर आ गया हूँ और बाहर का मौसम देखिए, लगता है बारिश ही होगी। और पीछे देखिए गांव कितना प्यारा है भाई। सफर है यहाँ से 570 किलोमीटर का, बस रास्ता सही हो और भाई ज्यादा ट्रैफिक वगैरह रास्ते में ना मिले तो हम सही टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा यार ट्रेलर चेंज करने के लिए। और ट्रेलर चेंज करके भाई, क्योंकि मेरे पास ना 13 घंटे ऑल ओवर टाइम है और 10 घंटे का ड्राइव टाइम है, तो इस टाइम में मुझे भाई ट्रेलर भी चेंज करना है और फिर कहीं अच्छी सी पार्किंग दे के अपनी 45 घंटे की रेस्ट स्टार्ट करनी है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया है कि सैटरडे संडे को फ्रांस में होता है ट्रैफिक बैन, तो ट्रैफिक बैन है लेकिन मैं जा सकता हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास रीफर वाला मटीरियल है और मेरा रीफर ऑन है तो मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। अगर बाई चांस चेकिंग होती है तो मेरा रीफर ऑन है और मेरे CMR में टेम्परेचर मेंशन है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाले मुझे नहीं रोकेंगे। तो दोस्तों A63 को छोड़ के मैंने अभी A64 ज्वाइन कर लिया है, जो निकलेगा सीधा पाओ टलाउज होते हुए सीधा माउंट बिल्डर की तरफ। अब इसी रास्ते पे मेरा सफर रहेगा और देखिए भाई पूरे रास्ते में भाई अपना ही एक ट्रक चल रहा है, बाकी तो कोई ट्रक मेरे को दूर दूर तक नहीं मिला भाई। जब से मैंने इस रोड को ज्वाइन करा है कोई भी ट्रक नहीं, ना तो अपनी लेन में ना तो दूसरे वाली लेन पे। सफर हो रहा है जी फ्रांस की हरी भरी वादियों में, देखिए क्या प्यारा लैंडस्केप है भाई, छोटे छोटे गांव और मौसम देखिए भाई कितना घनघोर काला हुआ है, बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाए भाई, एकदम स्विट्जरलैंड की तरह लग रहा है। मैं फिलहाल तो नहीं गया हूँ लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा, इतनी तो उम्मीद है। तो दोस्तों मुझे लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं सफर करते हुए और भाई मुझे पूरे इस रास्ते में गिन के कहीं 10 ट्रक मिले होंगे गिन के, मैं अकेला भाग रहा हूँ इस तरफ। तो भाई वो ड्राइवर ऑलरेडी पहुंच गया है वहां पे जिसके साथ मुझे ट्रेलर चेंज करना है, उसका मैसेज मुझे आ गया था, तो जो टास्क में मुझे कोऑर्डिनेट मिला है वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच गया है, बाकी देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहां से भाई मेरा अभी 350 किलोमीटर का सफर बाकी है और मुझे कहीं बीच में 45 मिनट की ब्रेक के लिए भी रुकना है। जब भी ट्रेलर चेंज करना होता है ना, ऐसा कोई टास्क होता है तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि हमेशा ना भाई ये रशियन यूक्रेनी ड्राइवर ही मिलते हैं और इनके साथ भाई फिर आपको सिर मारना ही पड़ता है। अब उसको भी नहीं, वो उधर से फोन कर रहा है और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो भाई उसको बोला कि पहले अपना वाइबर नंबर भेज, वाइबर में उसको फिर भाई मैंने ट्रांसलेट करके सारा डिटेल भेजा, उसको बताया कि मेरे को अभी सफर शुरू करना है, कि मैंने सुबह अपनी शिफ्ट शुरू करी है और मुझे लगभग अभी 300 किलोमीटर का सफर और करना है आप तक पहुंचने के लिए, तो उसको समझा के भाई बोला कि आप वेट करिए मैं आ रहा हूँ। ड्राइव करते हुए मुझे लगभग हो गए हैं 4 घंटे और अपनी फर्स्ट शिफ्ट एंड होने वाली है और अब सर्च हो रही है भाई पार्किंग की। पार्किंग में रुक के मेरी 45 मिनट की रेस्ट कंप्लीट करूंगा और साथ में अपना लंच भी कर लेंगे। और यहाँ से अभी मेरा सफर रहता है भाई 261 किलोमीटर का, लगभग 250 किलोमीटर सफर है, तो वो होगा लंच ब्रेक के बाद। तो अभी यार टलाउज क्रॉस कर लिया है और अभी A61 में आ गए हैं, तो भाई ये एक बोर्ड आ गया है
6 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है कोई, तो वहां पर रुक के अपना 45 मिनट की ब्रेक पहले कंप्लीट कर लेता हूं। दोस्तों फिलहाल आ गया हूं एक पेट्रोल स्टेशन की पार्किंग में। मेरे पास भाई 20 मिनट बचे थे ड्राइव टाइम। चलो अपने को जगह भी मिल गई। इससे पहले भी मैंने एक दो पेट्रोल पंप भाई सर्च किए थे पीछे, बट वहां पर मेरे को जगह नहीं मिली थी पार्किंग की। यहां पर अपने को बढ़िया स्लॉट मिल गया, तो गाड़ी पार्क कर ली है यहां पर। भाई अब अपना लंच कर लेते हैं और साथ में 45 मिनट्स की ब्रेक कंप्लीट हो जाएगी। और भाई अपने ट्रेलर चेंज के डॉक्यूमेंट भी बना के रखता हूं, क्योंकि यार शाम को जैसे मैंने बताया कि अपने पास ना पूरा टाइम है, तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगे, तो फटाफट ट्रेलर का इंस्पेक्शन करके ट्रेलर चेंज करके वहां से निकलेंगे कोई अच्छी सी पार्किंग में, जहां अपने को 45 घंटे के लिए सही पार्किंग मिल जाए। दोस्तों ये हो रही है जी रोटियां गरम देसी घी लगा के, और सब्जी आपको पता है कि आपके भाई ने बना के रखी है, सब्जी अपने पास है तो इसको गर्म करके लंच कर लेते हैं भाई। जिससे मैंने ये ट्रेलर लिया था, जो उसने लिखा है वैसा वैसा मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में लिख लिया है, तो फिलहाल के लिए कागज मैंने बना लिए हैं। बाकी भाई इंजन आवर्स और डीजल बाकी जो भी चीजें होंगी वो उसके सामने वहां पर मेंशन करके इसमें लिख लेंगे। समय हो गया फिर से यहां से अपना सफर शुरू करने का। चलते हैं बाहर, करते हैं बाहर मेन रोड ज्वाइन और लगातार बढ़ते हैं अपनी लक्ष्य की ओर। यहां से अपना सफर है भाई 254 किलोमीटर का, लगभग 250 किलोमीटर का सफर है, तो कोशिश है कि अपना सही टाइम पे पहुंच के अपना काम निपटा देंगे। बाहर के हाल देखिए, पेट्रोल पंप पे भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है। ये देखिए छोटी गाड़ियों से, वो देखिए कैसी साइडों में भी गाड़ियां लगी हैं भाई। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। वीकेंड में जहां भी जाओ ना भाई मोटा ही रश मिलता है, मोटा ही। रोड देखो ज्यों त्यों भाई चली है गाड़ियां, पार्किंग है फुल, छोटी छोटी पार्किंग भरी पड़ी है भाई, पेट्रोल स्टेशन में जगह नहीं है। इवन ट्रक वाली जगह पर भाई कारें लगा दी है। चोरों की भूख लगी होती है ना, और आप फिर एकदम भरपेट खाना खाते हो, फिर थोड़ी देर आराम करने का मन करता है, लेकिन भाई अपनी मजबूरी ऐसी है कि मैं रुक भी नहीं सकता, क्योंकि अपने पास यार पूरा ड्राइव टाइम है, और भाई आज काम निपटा के ना फिर आराम करना है, तो अपने आलस को छोड़ के ना काम पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फिर अपने को टाइम मिलेगा सोने का आराम करने का। जिस बात का डर था वही हो गया। मुझे पता भाई वीकेंड में ना यहाँ पे भाई ट्रैफिक लगता ही लगता है हर रोडों में। ये देखो भाई कारें कैसी भरी पड़ी हैं, और मुझे कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं भाई इस ट्रैफिक में, और ये देखो अब नहीं पता कि कहाँ तक ये ट्रैफिक जा रहा होगा, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग गया भाई। और ये हो गया कांड, अब ये टाइम खा जाएगा और जो ड्राइविंग टाइम है ना वो ख़राब हो जाएगा यहाँ पे, फिर अपने को हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि आज यार ट्रेलर चेंज करना है किसी भी हालत में, मैनेजर ने बोला है, बट करेंगे कैसे वो देखिए पीछे तक कहाँ तक जाम लगा भाई, पूरा ट्रैफिक। यही मेरे माइंड में एक चल रहा था कि बस बाकी तो सफर अपना अच्छा चल रहा है कि कहीं ट्रैफिक ना मिले, और लास्ट में होता वही है कि मुझे पता था यार कि जिस हिसाब से रोड पे ट्रैफिक है ना भाई, उस हिसाब से कुछ ना कुछ कांड रोड में हो ही जाएगा और ट्रैफिक लग ही जाएगा। मित्रों ट्रैफिक से तो आगे निकल गए हैं, अभी निकल रहे हैं भाई A9 रोड पे, और सफर रह गया है 70 किलोमीटर। लेट हो गया यार भाई, अगर वो ट्रैफिक नहीं लगता ना तो मेरा इस टाइम पर ट्रेलर चेंज हो जाता। अभी मुझे ड्राइव करते हुए हो गए हैं 7.25 घंटे, और 1 घंटे का सफर और है, तो 8.5-8.5 घंटे मेरे ड्राइव के इसी में ख़त्म हो जाएंगे, और फिर ट्रेलर चेंज करके भाई फिर देखेंगे कोई पार्किंग जैसे मैंने बताया है भाई। A9 रोड को ज्वाइन करने पर भी ना बहुत ज़्यादा भयंकर जाम लगा था, तो उसमें काफ़ी 1 घंटा अपना वेस्ट हो गया यार। और साथ में भाई वो दूसरा भाई पान कर रहा है जिसको ट्रेलर देना है, क्योंकि उसकी भी शायद शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, अब उसकी भी टाइमिंग होगी भाई, उसको भी आगे ट्रेलर लेके जाना है, तब वो मुझे फ़ोन कर रहा है, फिर उसको बताया कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, आप वेट करिए। जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना भाई, तब आप पे प्रेशर पड़ता है, फिर बंदा सोचता है कि क्या करें। एक तरफ से टाइम पूरा है, मेरे पास ड्राइव टाइम ज़्यादा नहीं है, और फिर ट्रेलर भी चेंज करना है, ट्रेलर चेंज करके अगला ट्रेलर देखना है, लोड है खाली है कहाँ जाना है ना, ये सब करना है, क्योंकि ड्राइव टाइम भी कम है और अपने पास जो मेरा शिफ्ट टाइम है फिर वो भी कम ही है, फिर उस सब में ये सारी चीज़ें करनी है। दोस्तों दिन भर की परेशानियों के बाद और भाई इतना कुछ सफ़र करने के बाद अब लगभग पहुँचने वाला हूँ अपनी लोकेशन पर। सिर्फ 3 किलोमीटर है जहाँ पर अपना ट्रेलर होगा चेंज, तो वो बंदा पार्किंग में ही खड़ा है कहीं पर। तो यार इस ट्रेलर चेंज के चक्कर में ना भाई अपनी बैंड बज गई है, मतलब आज आपने देखा कि मैंने सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक ली है और उसके बाद कंटिन्यू ड्राइव चल रहा है, तो यार ट्रैफिक जाम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मेरा ड्राइव टाइम भी खत्म कर दिया,
तो अब एक बार देखते हैं पहुंच के भाई इसी पार्किंग में वो बंदा कहीं वेट कर रहा है, अब उसको ढूंढते हैं और देखते हैं कहां पर ट्रेलर चेंज होगा। भाई ये है गाड़ी, देखिए ये भाई साहब कर रहे हैं वेट और ये लगी अपनी गाड़ी। चलो बढ़िया, यहाँ पे ट्रेलर चेंज करने के लिए देखिए कितनी बढ़िया जगह मिल गई है। और भाई एकदम देखिए जंगल में पार्किंग है और टूरिस्ट भरे पड़े हैं चारों तरफ, भरे पड़े हैं चारों तरफ, ये देखिए भाई। तो सबसे पहले भाई अपना ट्रेलर चेंज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको, क्योंकि भाई अपने पास टाइम नहीं है, ड्राइविंग टाइम और भाई को भी लेट हो रहा है। तो मैं आपको फिर कभी जब आराम से ट्रेलर चेंज करेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी। भाई अभी हो रही है डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए पहले मैं इसके ट्रेलर के कागज बनवा रहा हूँ। इसका ट्रेलर है तो नया बट उसको भी स्क्रैच लगे हैं, ये बोल रहा है कि मुझे कल रात को ही ट्रेलर मिला है, बेचारे को इसको भी अच्छे से नहीं देख पाया, इसमें ट्रेलर में डेंट है वो ऊपर भाई, इसमें ना स्क्रैच पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसने रात को देखे नहीं। वो देखिए अगर आप देख सकते हो लाइनें पड़ी हैं, तो इसने रात को देखे नहीं है। तो फिर मैं तो अपनी मार्क कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बाद में ये अपने सिर में पड़ सकते हैं। अभी इस गाड़ी का फ्यूल लेवल ले लेंगे ट्रेलर का, अभी भाई के पास भी सामान अच्छा खासा है, बंदा अच्छा है पर बंदा बढ़िया है। तो फिर उसके बाद मैं अपने ट्रेलर की इससे इंस्पेक्शन करवाऊंगा जो भी है, इसको डॉक्यूमेंट देके फिर फटाफट भाई अपने ट्रेलर चेंज कर लेंगे। ट्रेलर भी चेंज किया था भाई, उसमें भी बंदा बढ़िया मिला था और इस वाले में भी बंदा सही मिल गया, बंदा सही है। तो अपना भी यही काम होता है यार कि सही सही तरीके से काम हो जाए। दोस्तों आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद ट्रेलर चेंज हो गए हैं, एक दूसरे के हमने स्वैप कर लिए हैं ट्रेलर। तो ये भाई लेके जाएंगे मेरे वाला लोड जो जा रहा है इटली, और इनका ट्रेलर है खाली। तो मेरी अभी 45 आवर्स की रेस्ट है, जैसे मैंने बताया 45 घंटे की रेस्ट है। भाई के पास सामान ज़्यादा था तो भाई का सामान उधर कर लिया सारा, और भाई ने ना यार जो ट्रेलर लिया है ये बोल रहे हैं कि पिछले कल ही ट्रेलर लिया, तो इसमें काफ़ी डेंट थे, इन्होंने मार्क नहीं किए, बट मैंने मार्क कर लिए हैं, बाकी अब राम भरोसे। तो गाइस शाम के बज गए हैं, 7 बज गए हैं, और भाई मेरे पास ना अभी थोड़ा ही टाइम है ड्राइव टाइम। तो यहाँ से मैंने देखी थी पीछे 10 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप पे पार्किंग, अब देखता हूँ आगे मेरे को यू टर्न कहाँ मिलता है। पार्किंग तो ये अच्छी है, लेकिन भाई यहाँ पर नहाने धोने की दिक्कत हो जाएगी, और एकदम जंगल में है तो भाई जंगल में थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है, और अपने को रुकना भी भाई 45 घंटे हैं लगभग, दो दिन में भाई ऐसे जंगल के सुनसान एरिया में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पर गूगल पे चेक करते हैं भाई, अगर नियर बाई कहीं पार्किंग मिलती है तो मैं वहीं जाऊंगा। तो जिस बात का डर था ना भाई, लास्ट में वही हो गया, इतनी भागम भाग और सब काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखिए भाई टैको में मेरे ड्राइविंग टाइम खत्म हो गया है और मेरी 45 घंटे की रेस्ट शुरू हो गई है। जैसे ही मैंने यहाँ से निकलने का सोचा, मेरे पास भाई सिर्फ 11 मिनट बचे थे ड्राइव टाइम के, और 11 मिनट में मुझे कोई भी पार्किंग नहीं मिलती हाईवे में। जैसे ज्वाइन करता तो हाईवे में मेरे को एकदम ना यू टर्न मिलता और ना ही तो मैं उस पार्किंग तक पहुंच पाता, वो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे थी और मुझे यू टर्न करके आना था। तो भाई 11 मिनट में कुछ नहीं होना था, 11 मिनट में ये है कि मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर लिया है, अब सब राम भरोसे। तो यार इस पार्किंग में रुकना मैं क्यों प्रेफर नहीं कर रहा था, एक तो है ये हाईवे के साथ में ही भाई शोर पूरा आएगा हाईवे का, और दूसरा भाई इधर देखिए यही इधर बस 5-7 गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह बनी है, और पीछे देखिए भाई एकदम जंगल, घनघोर जंगल, ना यहाँ पर नहाने की सुविधा है, बस वो सामने टॉयलेट है इतना है यहाँ पे। तो भाई ऐसे जंगलों में ना मोस्टली भाई डर रहता है, ऐसे जंगल में चोरी का हमेशा डर रहता है, और ऊपर से भाई मेरे दोनों डीजल टैंक ऑलमोस्ट फुल है, कल ही गैक्सर से फुल करवा के आया हूँ, इसमें मैंने 600 किलोमीटर का सफ़र किया है। तो अब सब राम भरोसे, 45 आवर्स की रेस्ट स्टार्ट हो गई है, अब मैं ड्राइव नहीं कर सकता भाई, अब ड्राइव होगा 45 घंटे की रेस्ट के बाद ही। वैसे यार आवाजाही तो काफ़ी है यहाँ पे, यहाँ पर नीचे भी कार पार्किंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए भाई नीचे कुछ कार पार्किंग बनी है, पार्किंग है, वो देखिए गार्डन टाइप का है, कुछ सारे कैंपिंग वाले नीचे उतरे हैं, गाड़ियाँ तो काफ़ी है नीचे, आवाजाही तो फिलहाल के लिए काफ़ी है यहाँ पर, देखिए काफ़ी गाड़ियाँ हैं और काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं। दिन में तो आवाजाही अच्छी है, पर रात को भाई, रात को अब सिर्फ ये हो कि ये जो लाइटें लगी हैं ये लाइटें भाई अपना काम करें, लाइटें जलती हो, जलती लाइटों में फिर भी थोड़ा आदमी सिक्योर फील करता है। दुआ करना कि सब सलामत रहे, मोस्टली यार फ्रांस में सिर्फ चोरी का डर होता है, बाकी तो चलो क्या है, और रात को ही बाहर निकलना थोड़ा सा इनसिक्योर होता है ऐसी जगहों पे खासकर, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं भाई। हमारे एक दो भाइयों के साथ ऐसी घटना हुई है कि अकेला बंदा जब रात को बाहर निकलता है ना, तो उसको भाई ट्रैप करके पकड़ के फिर टॉर्चर करते हैं, सामान लूटते हैं, और ऐसी वारदातें होती रहती हैं। तो इस चीज़ के बचने के लिए मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन लास्ट में वही हुआ कि मेरा ड्राइव टाइम ही खत्म हो गया यार। मैंने पहले की कई वीडियो में बताया है कि फ्रांस में थोड़ा बच के, और मैंने हमेशा फ्रांस में खुद भी बच के चलने की कोशिश की है कि मैं कहीं ऐसी अनऑथराइज जगह पे गाड़ी पार्क ना करूं जहां पर ऐसी वारदात होने की संभावना रहती है। लेकिन आज मैं लपेटे में आ गया हूं, लपेटे में ऐसा आया हूं कि मैं अब एक्स्ट्रा ड्राइव भी नहीं कर सकता, मेरा टैको में ड्राइव टाइम खत्म हो गया है। अगर मैं एक्स्ट्रा ड्राइव करूंगा तो भाई रूल ब्रेक हो जाएगा, टैको की हिस्ट्री में मेरा वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये सब हुआ है, फिर मुझे प्रिंट रखना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता हूँ। तो देखते हैं, अभी रिस्क पे गाड़ी खड़ी कर दी है, लेट अस सी। दोस्तों रात के 9:30 हो गए हैं और कुछ ये हाल है अभी पार्किंग का, गाड़ियाँ तो यहाँ पे लग रही हैं, लेकिन भाई रात को रुकने वाला यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं है, यहाँ पर बस अपनी ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं।
पीछे अभी कुछ गाड़ियां खड़ी हैं भाई, छोटी गाड़ियों की तो काफी आवाज आई है, बहुत सी गाड़ियां लगी हैं और काफी टूरिस्ट आ जा रहे हैं। चलो बढ़िया है। यहाँ पर एक और चीज अच्छी लगी यार, गाड़ी के एकदम जस्ट देखिए लाइट लगी है और अच्छी खासी लाइट है इस पार्किंग में। लाइट रहेगी तो भाई थोड़ा वारदात का सीन कम रहेगा। और ये पीछे भी लाइट लगी है, फिलहाल अपने पीछे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी रहेगी तो भाई बढ़िया है। उधर भी गाड़ी खड़ी है एक, अगर कोई रात को रुकने वाला रहे तो भाई बढ़िया है, जितनी गाड़ियां रहेंगी ना तो उतना अपने को थोड़ा सिक्योर फील रहेगा। एंड चलो वैसे भी आवाजाही तो लोगों की लग रही है, काफ़ी है, बस ऐसी आवाजाही रात भर चली रही तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो भाई आज तो इसी कसमकश में कोई खाना भी नहीं बना पाया, फिलहाल खाना पड़ा हुआ है उसको गर्म करके आज का डिनर कर लेंगे। एंड कल और परसों दो दिन अपने पास अभी 45 घंटे हैं, मतलब दो दिन का रेस्ट है। कल कुछ बनाते हैं बढ़िया सा तड़कता भड़कता इंडियन खाना और फिर मजा लेंगे भाई। अब दिन भर से आपने देखा मैंने सुबह अपनी 8:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट कर ली थी और कंटिन्यू ड्राइव किया, सिर्फ 45 मिनट्स की ब्रेक ली और यहाँ आके भाई ट्रेलर चेंज किया और पूरा दिन आज ड्राइव किया। तो ड्राइव करके ना भाई बहुत थकान हो गई है, अब तो मन कर रहा है कि एकदम सो जाऊँ। तो भाई फिलहाल के लिए जो भी आपको सिचुएशन है मैंने बता दी है, बाकी सुबह मिलते हैं देखते हैं क्या कैसा रिव्यू रहता है यहाँ का। एंड गाइज मेरे लिए प्रे करिए कि हमेशा ही कुछ ऐसा रहे, कुछ पॉजिटिव कि ऐसा कुछ कभी ना हो यार। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूरोप के एक कुछ और अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो कुछ नई चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।